Hello everyone, let us discuss about some process. First, isothermal process. Isothermal process. The word explain about itself, isothermal, means at a constant temperature the process is done, or when the process is carried out at a constant temperature. When the process is carried out at a constant temperature, that process is called isothermal process. If we talk about adiabatic process, a process is carried out at constant changes of energy, means there is no heat changes from the system to surrounding or surrounding to system, means delta Q is equal to zero. When the process is carried out at a constant pressure is called isobaric. What about the adiabatic process? No heat is transferred in a process from the system to surrounding and vice versa. Means इसमें हीट जो है सिस्टम से ना तो सराउंडिंग में जाएगा ना सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा, फिर भी वर्क होगा. मतलब ऐसे सिस्टम को हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस या एडियाबेटिक सिस्टम कहेंगे, जहाँ पर एक वॉल होता है एडियाबेटिक वॉल, जिस वॉल के अंतर्गत ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाता है ना सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जाता है. इस प्रोसेस को एडियाबेटिक प्रोसेस, इस वॉल को एडियाबेटिक वॉल कहा जाता है. इस वर्ड को याद रखिएगा. उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस. और प्रोसेस इज कैरिड आउट एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर. प्रेशर को कॉन्स्टेंट करके जो आपका जो सिस्टम है जो वर्क कर रहा है, वैसे प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहा जाता है. आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम बात करें, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट करके प्रोसेस को कैरिड आउट किया जा रहा है, वर्क डन किया जा रहा है, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस कहेंगे. साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं. इट अंडरगोज अ फिनाइट चेंजेस बट फाइनली इट रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल चेंज. दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें, ये रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं. इट चेंजेस इन इनफिनाइट मैनर्स बट एट द सेम टाइम इट कैन बी रिटर्न एट एनी चेंजेस इट कैन बी रिवर्स. सो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड रिवर्सिबल सिस्टम. इतने तरह के सिस्टम है, हम लोगों को याद रखना है. आइसोथर्मल डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, आइसोबारिक डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, आइसोकोरिक डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, एडियाबेटिक डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो. साइक्लिक प्रोसेस मतलब यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड, मतलब टोटल रिवर्स जितने नंबर ऑफ चेंजेस होंगे वो सारे चेंजेस जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पर वापस फर्स्ट इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा. और रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वापस से वो रिवर्स हो सके, वो स्टेट में आ सके. ये सारे प्रोसेस को हम लोगों को जानना है इस चैप्टर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिर इससे आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे अगर हम टेम्परेचर को इनक्रीज करते हैं तो इंटरनल एनर्जीज में क्या चेंजेस होते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या रोल प्ले करेगा इस चैप्टर में. क्योंकि बहुत सारे लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो हम लोगों को डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के फॉर्म में हम लोगों को यूज करना होगा. तो अभी फिलहाल आप लोग इस सारे प्रोसेस को अपने नोटबुक में लिखिए. फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने पर हमारा जो वर्क डन होगा वो किस तरह से रोल प्ले करे. तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.